मटीरियल कॉस्ट, ये हमारे टॉपिक का नाम है मटीरियल कॉस्ट। हमारा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पेपर पैटर्न दिया था और नंबर ऑफ टॉपिक्स बताया था। सो फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज मटीरियल कॉस्ट। कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपको कॉस्ट के बारे में बात करेगा, खर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए जो प्रोडक्ट बनाता है, आप प्रोडक्ट बनाते तो ये सब्जेक्ट आपके लिए मैन्युफैक्चरर। इधर जो भी सीखोगे आप, इट इज नॉट फॉर ट्रेडर, इट इज फॉर मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है फैक्ट्री। खरीदा और बेचा उसके लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट किसके लिए? मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मटेरियल। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपको सिखाएगा मटेरियल के बारे में। इस पूरे चैप्टर हम लोग सीखेंगे मटेरियल। अब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 टॉपिक्स। मतलब इस एक चैप्टर के अंदर आपके पास 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 5 टॉपिक का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अलग। तो ये देखने में एक चैप्टर है, नहीं है, 5 चैप्टर, 5 छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ पे, ठीक है। आज जो कंसेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी इजी, इससे मिलता जुलता कंसेप्ट आप सीख चुके हो, SYBCOM मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहां पे एक रेशियो मैंने आप सबको सिखाया था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डू यू रिमेम्बर स्टॉक टर्नओवर रेशियो? वही रेशियो यहाँ पे फिर से सीखना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये सम एग्जाम में 10 मार्क का वेटेज रखता है, 10 मार्क्स जो आप सीख रहे हो 10 मार्क के लिए काम में आएगा। यही चीज SY में भी सीखी थी, बट वहां पे सिर्फ 3 मार्क्स, बट यहाँ पे 10 मार्क्स। एग्जाम में पूछते ही श्योर, ये कंसेप्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये एग्जाम में पूछते ही है। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। काफी इजी है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक सम आपके सामने दिख रहा है, बता दो कौन सा। ये सब कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले आज का डेट 24th, हम हमारे कॉस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं 24 जून। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम मटेरियल कॉस्टिंग। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? मटेरियल कॉस्टिंग। इसमें हमने एक कंसेप्ट आज सीखना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक।
इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढना है। क्या होता है स्टूडेंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो? आप ये ढूंढते हो आपके पास जो मटेरियल है, जो स्टॉक है, वो कितनी बार रोटेट होता है, मतलब रोटेट होता है मतलब घूमता है। आपने जो स्टॉक खरीदा, यूज किया, फिर दूसरा खरीदा, फिर यूज किया, तो ऐसे साल में कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स डज अवर स्टॉक रोटेट्स? क्यों, क्या जरूरत है इसकी? बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी हमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, सपोज वी रिक्वायर अ सॉस बॉटल, केचप, केचप की बॉटल चाहिए हमें सॉस के। हम घर के बाहर गए, जनरल स्टोर, किराना स्टोर में गए, वहां पे हमने वो चीज मांगी, तो उसने बोला सॉरी यार मेरे पास नहीं है। आप बोले ठीक है, आप दूसरे दुकान में चले गए, वहां पे स्टॉक था, आपने पैसे दिए और आप केचप की बोतल खरीद के लेके आ गए। सेकेंड टाइम आपको और कोई चीज चाहिए, सपोज आपको एवरेस्ट तीखा लाल मसाला चाहिए, आप वो लेने गए, फिर से आप उसी फर्स्ट शॉप में गए, उसने बोला सॉरी यार स्टॉक खत्म हो गया, नहीं है। फिर आप बाजू वाले दुकान पे गए, वहां से आपको वो चीज मिल गई, वो चीज उसी दुकान से मिली जहां से केचप मिला था, सॉस मिला था। अब तीसरी बार आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप थर्ड टाइम फिर से उस फर्स्ट शॉप के पास नहीं जाओगे, डायरेक्टली आपके पैर सेकेंड शॉप पे चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक्सपीरियंस है, दो बार इसके यहाँ से वापस आया हूं मैं, क्या पता अब इसके पास ये चीज हो या ना हो, तो बेटर मैं उसके पास ही जाता हूँ जिसके पास मुझे लास्ट टू टाइम्स चीज डिलीवर हुई है। नहीं है ये साइकोलॉजी है कि नहीं है? तो हम जिस बिजनेस में डील करते हैं तो हमें इस चीज का दाग ध्यान रखना है, कस्टमर कभी भी वापस न जाए, तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए। अब किसी 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 के पास ओवर स्टॉकिंग भी होता है, बहुत स्टॉक पड़ा रहता है। आप गए प्रोडक्ट परचेस किया, घर पे आए और आपने देखा उस पे अरे यार एक्सपायरी डेट नजदीक है, एक महीने में ये चीज एक्सपायर हो गई, तो आप उसके पास फिर से जा रहे हो तो बोलते मेरे पास और 100 पीस पड़े बट सब में एक्सपायरी डेट यही है, तो उस दुकान की माइनस पॉइंट क्या है, वो बल्क परचेसिंग कर रहा है, उसका उतना सेल नहीं है, फास्ट मूविंग नहीं है उसके पास। स्टॉक होना चाहिए बट फ्रेश स्टॉक होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अभी एग्जांपल फिलहाल के सिचुएशन में सेट नहीं होता है क्योंकि वी आर डीलिंग विद कोरोना वायरस, तो यहाँ पे शॉपिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। कोई जा रहा है गारमेंट शॉपिंग के लिए? नहीं, सवाल ही नहीं है। बट तीन चार महीने बैक, 3 months, 4 months back, जब ये कोरोना वायरस नहीं था हमारे लाइफ में, तो 2 महीने में कभी कभार हम खुद के लिए कुछ ना कुछ खरीदने चले जाते थे। तो सपोज हम बात कर रहे दिवाली सीजन की, हम किसी गारमेंट के शॉप में गए, वहां पे हमने हमारे लिए कपड़े चॉइस किए और हमें वहां पे चीजें पसंद आ गई, हमने पैसे दिए, हमने कपड़े खरीद लिए खुद के लिए, ये हमारे दिवाली सीजन की बात थी। अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमारा बर्थडे, तो बर्थडे पे तो नया ड्रेस बनता है ना, बोले दिवाली में खरीदा है तो क्या हुआ, बर्थडे के दिन तो हमको नए कपड़े चाहिए, फिर से चले गए कपड़े खरीदने उसी दुकान के पास जिसमें दिवाली में हमने शॉपिंग की थी, क्योंकि हम वहाँ के दिवाली की शॉपिंग से खुश थे, रेट भी रीजनेबल था, वैरायटी भी अच्छी मिली, तो बर्थडे की रिक्वायरमेंट आया तो हम फिर से उसके पास चले गए। अब उसके पास गए, हम चॉइस कर रहे हैं, तो उसने हमें 10 अलग अलग वैरायटी दिखाया, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, उससे 10 वैरायटी में 2 वैरायटी उसने हमें वो दिखाई जो दिवाली के टाइम पे भी हमने उसके दुकान पे देखी थी। अब इस केस में बॉयज होगा ना, तो वो थोड़ा लेट गो कर लेता है, मतलब आर्ट तो नया है, आर्ट में से चॉइस करता हूँ, बट वहां पे
फीमेल्स जो होते हैं उनका ध्यान वो आठ को हटा के दो पे आ जाता है। ये वही तो पुराना स्टॉक है, इसके पास तो नया स्टॉक है ही नहीं। तो ये जो मैं खरीद रहा हूँ ये तो आउट ऑफ फैशन है, एक महीना पुराना फैशन है, तो मुझे इसके पास से परचेस नहीं करना चाहिए, और किसी शॉप पे जाते हैं। तो यहाँ पे उस दुकानदार से क्या गलती हो रही है, वो आपको स्टॉक दिखा रहा है बट फ्रेश स्टॉक उसके पास उतना नहीं है। तो आप कभी भी किसी प्रोडक्ट में डील करते हो, आपके पास जो स्टॉक होता है स्टूडेंट, इट शुड बी फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग। जितना स्टॉक फास्ट मूविंग रहेगा उतना वैरायटी ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर्स के सामने हमेशा नई चीज आएगी, तो नई चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली उसका विश्वास आप पे बना रहेगा। तो यहाँ पे हम यही ढूंढ रहे हैं, हमारा जो स्टॉक है वो साल में कितनी बार रोटेट होता है। अब इसमें स्टॉक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल कितने, अनगिनत, इतने सारे बिजनेस है आपके आजू बाजू में। आप जिस भी चीज को देख रहे हो, आपके घर बैठ के आपके पास जितनी चीज आप यूज कर रहे हो, वो सब स्टॉक है, वो सब मटेरियल है, आपके लिए नहीं बट उस रिस्पेक्टिव कंपनी के लिए। जो कॉर्ड आपने अभी अपने ईयरफोन में लगाया है जिससे आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, ये भी किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, तो उसके लिए क्या है, मटेरियल, स्टॉक। आपके सामने घर पे जो भी चीजें पड़ी है वो किसी न किसी कंपनी की चीजें, तो उन सब के लिए वो क्या है, स्टॉक, मटेरियल, उन सब का वो स्टॉक है। तो स्टॉक कितने होते हैं स्टूडेंट, जितने भी हमें नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, स्टॉक। तो यहाँ पे जो रेशियो सीख रहे हैं हम लोग, ये कौन से स्टॉक का रेशियो सीख रहे हैं, ये हम किसी भी एक स्पेसिफिक का रेशियो नहीं सीख रहे, इन जनरल सीख रहे। अगर स्पेसिफिक सीखना है तो ये बहुत डेप्थ कंसेप्ट है। अगर आप पेरिशेबल चीजों में डील करते हो तो इसका रेशियो डिफरेंट, अगर आप नॉन पेरिशेबल चीजों में डील करते हो तो इसका रेशियो डिफरेंट। मतलब खाने की वस्तु जो जल्द से जल्द यूज करनी चाहिए, ज्यादा दिन तक नहीं रख पाए, वो भी किसी न किसी के लिए प्रोडक्ट है। होटल इंडस्ट्री के लिए जो वो फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए वो प्रोडक्ट है, डोमिनोज के लिए पिज्जा प्रोडक्ट है। तो अगर हम डोमिनोज का स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, वो तो उस चीज में डील कर रहा है जो जल्दी खराब हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री, हम सैमसंग में डील कर रहे हैं, तो हमारा जो सैमसंग कंपनी का मोबाइल है वो भी हमारे लिए स्टॉक है, तो उसका रेशियो और डोमिनोज के पिज्जा का रेशियो का कंपैरिजन हो सकता है क्या, नहीं। दोनों का प्रोडक्ट अलग है, एक का पेरिशेबल है एक का नॉन पेरिशेबल है। डोमिनोज को पिज्जा की लाइफ कितनी, लिमिटेड, बट मोबाइल की लाइफ उससे कहीं ज्यादा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हम सब प्रोडक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, जिस प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो उसी प्रोडक्ट में कंपेयर होगा। तो यहाँ पे हम जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं वो इन जनरल फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास आप देख रहे हो सब में दो मटेरियल है, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। तो हमें सोच के चलना पड़ेगा, मटेरियल एक्स भी डोमिनोज का है, मटेरियल वाई भी डोमिनोज का है, नहीं तो मटेरियल एक्स भी सैमसंग का है, मटेरियल वाई भी सैमसंग। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे इन दोनों में से फास्ट कौन सा है, बस इतना हमारा काम है टी वाई में। बट इन डेप्थ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, समझ रहे हो। प्रोडक्ट अलग होगा तो उसका कंपैरिजन का रिजल्ट अलग होगा। यू कांट कंपेयर पिज्जा विथ मोबाइल्स, यू कांट कंपेयर ईटेबल्स विथ लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, इजंट इट। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, गारमेंट्स को गारमेंट प्रोडक्ट से ही कंपेयर किया जा सकता है, गारमेंट प्रोडक्ट कांट बी कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो यहाँ पे जो रेशियो कंपेरिजन होगा यही सोच के होगा, एक ही इंडस्ट्री का है, सिमिलर प्रोडक्ट है, एक्स में भी मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, दोनों एक ही कंपनी के, कंपनी अलग अलग हो पर प्रोडक्ट एक ही है, दोनों गारमेंट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, दोनों ई टेबल्स हैं, ये सोच के चलना है आपको, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में अगर आता है स्टूडेंट्स तो 10 मार्क के लिए आता है, तो इसको 10 मार्क के जैसा बनाना है, तो आपको इसमें स्टेप्स पे ध्यान देने, ठीक है। पहले हम सम पढ़ते हैं,
जिधर जिधर आपको रेड डॉट दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे, वो चीज में पढ़ने वाला, ठीक है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमें ढूंढने बोला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हमारे पास तीन कॉलम, पर्टिकुलर्स, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। ओपनिंग स्टॉक 25,000 ऑफ एक्स, फॉर वाई 87,500, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, फॉर वाई 62,500। परचेस मटेरियल एक्स 1,90,000, वाई 1,25,000। डिटरमाइन फास्ट मूविंग मटेरियल, डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करो, दोनों में से फास्ट मूविंग मटेरियल किसका है, मटेरियल एक्स का मटेरियल फास्ट मूविंग है कि वाई का, ये आपको ढूंढने बोला है। ये क्वेश्चन समझा हमने आपने, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है और परचेस, ये तीन चीजें, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है आप कितना मटेरियल यूज कर रहे हो, आपने कितना मटेरियल यूज किया। सो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम। फर्स्ट पर्टिकुलर्स, देन मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास पहले से ही मटेरियल कितना है, एक्स का मटेरियल कितना दिख रहा है आपको स्टूडेंट, 25,000। इसमें हम ऐड करते हैं परचेस, हमने जो खरीदा 1,90,000, अब 25,000 प्लस 1,90,000 दोनों का टोटल कैलसियन आपके पास, चलो सिर्फ देखते मत रहो, कितना टोटल 2,15,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये वो स्टॉक है जिसको हमने यूज नहीं किया, बच गया हमारे पास कितना 15,000। माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट देना जरूरी, 2,15,000 माइनस 15,000 हाउ मच, 2 लैक्स। ठीक है, तो क्या मिला 2 लाख, मटेरियल कंज्यूम, कौन सा मटेरियल कंज्यूम, एक्स, मटेरियल एक्स कंज्यूम हुआ कितना 2 लाख। अब इसी तरह से मटेरियल वाई ढूंढते, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वाई 87,500, एड परचेस 1,25,000, नाउ 1,25,000 प्लस 87,500 टोटल इज 2,12,500, राइट है, 2,12,500। माइनस करते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 62,500, रेड डॉट दिखा है ना मैंने, यही देख रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वाई 62,500, 2,12,500 माइनस 62,500, सो आंसर इज 1,25,000।
50,000. तो मटेरियल वाय हमने कितना यूज किया, 1,50,000. देखा आपने, ओके. सम खत्म नहीं हुआ है, स्टेप वन सॉल्व किया है. ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और ये स्टेप लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. रजिस्टर्स है ना आपके पास, सबके पास? गुड. क्वेश्चन नोट डाउन करो. आप आपके मोबाइल फोन को स्लैंटिंग मोड पे रखो, वर्टिकल मत रखो, हॉरिजॉन्टल रखो तो आपको डिस्प्ले अच्छा मिलेगा. एंड कीप योर वीडियो ऑन्स. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन लिख रहा है इसको और किसका लिख के कंप्लीट हो गया पहले. अखिलेश वीडियो ऑन रख, गणेश गायकर वीडियो ऑन रखो. सोनू दुबे वीडियो ऑन रखो. स्वप्निल सिद्धांत कीप योर वीडियो ऑन. यहाँ पे मयूर ने हैंड रेस किए है. मयूर बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या बोलना है, क्या डाउट है बेटा आपको? मयूर आपका हैंड रेस. हाँ बोलो बेटा. हाँ सर, वो पहले किया था मैंने, जब वो कनेक्ट नहीं होता इसलिए. ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं ना बेटा आपको? नहीं सर, नहीं सर. ठीक है, ओके. म्यूट कर दो खुद को. सॉल्यूशन नोट डाउन करो स्टूडेंट. ओके, सबने लिख लिया स्टूडेंट्स? गुड, आगे प्रोसीड करते हम लोग. बढ़ू ना आगे? ओके, तो स्टेप नंबर सेकेंड. Calculation of average stock. अब आपको क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट?
एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ढूंढना है आपको। एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? फॉर्मूला लिखते ही एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू, क्या मिलता है आपको? एवरेज स्टॉक। यहां पे लिखते हैं मटेरियल एक्स, मटेरियल एक्स का ओपनिंग स्टॉक 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो यहां पे लिखता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 15,000, दोनों का टोटल 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 40,000 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 20,000। ये एवरेज स्टॉक मिला किसका? मटेरियल एक्स। इसी तरह से मटेरियल वाई, मटेरियल वाई इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू। अब मटेरियल वाई का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 87,500, क्लोजिंग स्टॉक 62,500। 87,500 प्लस 62,500 डिवाइडेड बाय टू, सेवेंटी फाइव थाउजेंड। तो क्या ढूंढा हमने स्टूडेंट? एवरेज स्टॉक। एक्स का एवरेज स्टॉक 20,000, वाई का एवरेज स्टॉक 75,000। लिखा सबने ये एवरेज स्टॉक? नहीं, ठीक है, लिख लो आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। ओपनिंग स्टॉक इज 4x 25,000, for y
हाँ जय सर जी सर हाँ वो कर दिया बस हाँ हाँ तो लिख लिया सबने स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग सो नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर थ्री दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो यहां पे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब यहां पे हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है सिंपल स्टेप वन अपॉन स्टेप टू ये स्टेप वन मटेरियल कंज्यूम इसको हम स्टेप वन को मटेरियल कंज्यूम को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे स्टूडेंट्स एवरेज स्टॉक इससे एवरेज स्टॉक सो दैट इज अवर फॉर्मूला स्टेप वन अपॉन स्टेप टू सो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो यहां पे लिखता हूं मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक स्टेप वन को आप लोग डिवाइड करोगे किससे स्टेप टू से तो स्टेप वन अपॉन स्टेप टू अब यहां पे लिखते हैं हम लोग एक्स यहां पे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ढूंढ रहे हैं एक्स का तो एक्स का मटेरियल कंज्यूम कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 लाख ये देखो सब में आपने सॉल्व किया था ना ये 2 लाख नाउ दिस 2 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 20,000 2 लाख अपॉन 20,000 तो यहां पे लिखता हूं मटेरियल एक्स 2 लाख अपॉन 20,000 अब 2 लाख को आप 20,000 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा आपका 10 क्या 10 स्टूडेंट्स टाइम्स 10 टाइम्स तो जो मटेरियल एक्स है वो एक साल में आपके पास कितनी बार घूमता है 10 बार 10 टाइम्स अब इसी तरह से मटेरियल वाई मटेरियल वाई का मटेरियल कंज्यूम ये देखो 1,50,000 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 75,000 ठीक है तो लिखते हैं अभी हम लोग यहां पे 1,50,000 अपॉन 75,000 1,50,000 अपॉन 75,000 सो व्हाट इज आवर आंसर 2 टाइम्स तो हमारे पास जो मटेरियल एक्स है वो साल में कितनी बार घूमता है 10 बार और जो मटेरियल वाई है वो कितनी बार घूमता है 2 बार तो इन दोनों में से ज्यादा बार कौन सा मटेरियल घूम रहा है मटेरियल एक्स तो यहां पे दोनों में से फास्ट मूविंग मटेरियल कौन सा है मटेरियल एक्स कौन सा फास्ट मूविंग मटेरियल है मटेरियल एक्स समझा सो फास्ट मूविंग मटेरियल इज मटेरियल एक्स
तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल एक्स इज फास्ट मूविंग मटेरियल एस कंपेयर टू मटेरियल वाई. मटेरियल एक्स फास्ट मूविंग है, किसके कंपैरिजन में? मटेरियल वाई के कंपैरिजन में. ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे सॉल्यूशन इसका खत्म नहीं हुआ है. इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट. कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, मतलब इसी आंसर को हम लोग और इसको अच्छी तरह से कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज वी आर कंपेयरिंग द आंसर इन डेज. सो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड, या फिर इसको आप नंबर ऑफ डेज भी बोल सकते हो. अब ये कैसे मिलेगा स्टूडेंट? टर्नओवर पीरियड दैट इज turnover period equals to number of days in a year upon inventory turnover ratio. मतलब जो आपने अभी आंसर फाइंड आउट किया, इसी आंसर को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ डेज से. अब नंबर ऑफ डेज एक साल में कितने होते हैं? 365. अगर लीप ईयर रहेगा तो 366. बट हम उस झंझट में नहीं पड़े हैं, सबने कुछ बोला नहीं है, तो नंबर ऑफ डेज 365. तो यहां पे लिखता हूं मैं मटेरियल X, number of days 365 upon inventory turnover ratio. Kitna answer tha? 10 times. So 365 upon 10. Ab isko solve karte hain. 36.5. That is approximately 37 days. तो हमारे पास जो मटेरियल एक्स है वो कितने दिन में टर्न आउट होता है? 37 डेज. आज खरीदा, 37 डेज के अंदर खत्म, फिर दूसरा खरीदेंगे. सो ये आंसर एक्यूरेट डेज में बताता है. तो हमारा मटेरियल एक्स कितने दिन में टर्न होता है?
37 डेज, मतलब जो मटेरियल एक्स है हर 37 डेज में चेंज होता है। अब इसी तरह से मटेरियल वाई, थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन टू, नाउ डिवाइड 365 बाय टू, आंसर इज 182.5, सो अप्रोक्सीमेटली 183 डेज। तो मटेरियल वाई आज खरीदा, 183 डेज के बाद खत्म होगा, फिर दूसरा आएगा, तो ये काफी स्लो है। मटेरियल एक्स 37 डेज में टर्न होता है, मतलब हर 37 डेज में मटेरियल एक्स का आपको नया स्टॉक देखने मिलेगा, बट मटेरियल वाई के लिए 183 डेज। तो ये जो हमारा ऊपर का आंसर था ना स्टूडेंट, टाइम्स, इसी टाइम्स को इसने किस में कन्वर्ट किया, डेज में। तो ये आंसर को ज्यादा एक्यूरेट लेके जाता है, यहाँ पे कंपैरिजन करना काफी आसान होता है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन इधर खत्म होगा, लिख लो बच्चे लोग यहां तक। गुड, काफी लोग का मैसेज आ रहा है, डन सर, डन, गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम स्टूडेंट स्टार्ट करें। हो गया लिख के सबका, गुड। बच्चे लोग मुझे बार बार बोलने मत लगाओ, कीप योर कैमरास ऑन। अच्छा, स्टूडेंट्स का बाकी है लिखना। सर थोड़ा ऊपर का बाकी है, यहाँ पे किसी बच्चे ने डाउट पूछा मुझे 62,500 कैसे आए, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना बेटा, 62,500 सब में दिया है ना, क्लोजिंग स्टॉक 62,500। यहाँ पे किसी ने मुझसे डाउट पूछा था 62,500, ये देखो मटेरियल वाई का क्लोजिंग स्टॉक सब में बताया ना। यहाँ पे सब लोगों ने कंप्लीट किया है, हो सकता है आप में से एक दो जन का बाकी हो, डोंट वरी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ये पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप लोग इसको जिसका लिखना बाकी है वो इसको लिख सकता है। अभी सबका कंप्लीट हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, नहीं हुआ रहेगा, डोंट वरी, आप लोग को मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, सर ने ग्रुप बनाया ना आप लोगों का, तो उस ग्रुप में सर लोग, सर ये पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आप आराम से डाउनलोड करके इसको लिखो। मैक्सिमम लोगों ने तो लिख लिया है, बट अगर किसी का बाकी रहेगा तो नेक्स्ट सम देखते हैं स्टूडेंट्स। कुछ नहीं, इतना ही आसान है, मैं भी आपको नेक्स्ट सम
यूनिवर्सिटी का सॉल्व करवा था, यस, ये क्वेश्चन नंबर 45, एग्जाम का समय, ठीक है। अब इसको यहां पे मत लिखो, मैं इसको कॉपी करता हूं। चलो यहां पे सम आ गया आपके पास स्क्रीन पे, तो ये सम पढ़ते, पहले पढ़ते बाद में लिखो, लिखने का घाई मत करो। एग्जाम का समय 10 मार्क के लिए पूछा था, कब पूछा था यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, मैं लिख देता हूं अप्रैल, सॉरी नॉट अप्रैल, अक्टूबर 2016, ये सम अक्टूबर 2016 में पूछा था, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स। पढ़ते काफी इजी है, कुछ नया नहीं सीखने मिलेगा, बट ये सब मुझे सॉल्व कर करके दे दो, हम इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी कंप्लीट होगा ये, इसके बाद एक दो सब मैं आपको सॉल्व करने दूंगा, ठीक है। अब इस सब में आप गाई मत करो, देख लो शायद किसी को कुछ डाउट हो, क्लियर हो जाएगा। चलो पढ़ते, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर 2013-14, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 13 और 14 ईयर का है। डिटेल्स, मटेरियल 1, मटेरियल 2, ओपनिंग स्टॉक 5 लाख 20 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख 16 लाख, नेट परचेस 42 लाख 50 लाख। कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ दीज मटेरियल्स एंड एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंटरी हेल्ड। तो इसने नंबर ऑफ डेज भी पूछा है, लास्ट समय हमने सॉल्व किया था ना, तो एग्जाम में पूछते नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। The following information relates to the year 13-14. तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं, मैक्सिमम लोगों ने सम लिख लिए, कुछ बच्चे लिख रहे,
चलो हो गया लिख के. ओके स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखते देखते लिखते भी चलो, क्योंकि ये आपको कुछ नया चीज नहीं सीखना है. जो लास्ट समय हमने सॉल्व किया था वो फिर से हमारे पास रिवाइज हो रही है. ठीक है. ओके तो स्टेप नंबर वन हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम. हमने कितना मटेरियल यूज किया. थ्री कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, मटेरियल वन, मटेरियल टू. अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सम में मटेरियल वन का ओपनिंग स्टॉक ये देखो 5 लाख. तो मैं यहां पे लिखता हूं 5 लाख और मटेरियल टू का 20 लाख. इसमें हम ऐड करते हैं परचेसेस. ये देखो सम में नेट परचेस मटेरियल वन का 42 लाख, मटेरियल टू का 50 लाख. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मटेरियल वन 42 लाख, मटेरियल टू 50 लाख. टोटल 5 + 42, 47 लाख. 20 + 50, 70 लाख. Less 40 stock. ये देखो सम में मटीरियल वन 3 लाख, मटीरियल टू 16 लाख. 3 लाख 16 लाख लिखते हैं इसको. 3 लाख माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट, और यहां पे 16 लाख माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट. 47 - 3 दैट इज 44 लाख. 70 - 16 54 लाख. क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, मटेरियल कंज्यूम. तो मटेरियल वन हमने कितना यूज किया 44 लाख, और मटेरियल टू 54 लाख. ये स्टेप सबको समझा, किसी को डाउट? गुड. जिन बच्चों ने भी कैमरा ऑन रखा है उनको देख रहा हूं, उनके रिएक्शंस मुझे पता चल रहे हैं. दे आर रिस्पोंडिंग गुड. ओके चलो बच्चे आगे बढ़े हम लोग. ओके सो नाउ स्टेप नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक. अब हमें एवरेज स्टॉक ढूंढना है. एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. अपॉन
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू. अब लिखते हैं हम यहाँ पे मटेरियल वन. मटेरियल वन का ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2. 5 + 3 / 2, सो आंसर इज 8 lakhs / 2, 4 lakh. तो मटेरियल वन का एवरेज स्टॉक 4 lakh. अब इसी तरह से मटेरियल टू, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू. मटेरियल टू का ओपनिंग स्टॉक 20 lakh, क्लोजिंग स्टॉक 16 lakh. तो यहां पे लिखता हूं 20 lakh प्लस 16 lakh अपॉन टू. 20 + 16 = 36 lakh. 36 lakh को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर ₹18 lakh. तो मटेरियल टू का एवरेज स्टॉक 18 lakh एंड मटेरियल वन का 4 lakh. लिखा सबने? किसी को कोई डाउट आया समझ में स्टूडेंट्स, एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? चलो गुड, सबने नोट डाउन कर लिया है यहां पे. अब इसके बाद थर्ड स्टेप, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. उसका फॉर्मूला में याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट. स्टेप वन अपॉन स्टेप टू लिखते हैं हम लोग. कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो. आप इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, आप इसको मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो. इन्वेंट्री स्टॉक मटेरियल मींस वन एंड द सेम थिंग. चलो फॉर्मूला क्या है इसका स्टूडेंट? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक. मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक. अब पहले सॉल्व करते मटेरियल वन. ठीक है, मटेरियल वन का फर्स्ट स्टेप का आंसर 44 lakh अपॉन 4 lakh. 44 lakh अपॉन 4 lakh. सो 44 upon 4 हाउ मच? 11 times. तो हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स? 11 times. ठीक है, अब मटेरियल टू. मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक. तो स्टेप टू का मटेरियल टू का मटेरियल कंज्यूम
54 lakhs upon 18 lakh. 54 lakh upon 18 lakhs. So 54 upon 18, kitna answer student? 3 times. तो यहां पे दोनों में से कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है बताइए. मटेरियल वन, क्योंकि मटेरियल वन साल में 11 बार टर्न होता है और मटेरियल टू 3 times. ठीक है, तो यहां पे फास्ट मूविंग मटेरियल कौन सा है? मटेरियल वन. क्या सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ है स्टूडेंट्स? नहीं. इस सॉल्यूशन के आगे हमें नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट करना है ना. यहां तक लिखा है सबने? ओके, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हो गया, लिख गया उनका. गुड, चलो आगे बढ़ते. नाउ सब में देखो क्या वर्डिंग पूछा है आपसे. एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज द इन्वेंट्री हेल्ड, लिखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री held. ठीक है, ये वर्डिंग सबने लिखी थी, वही कॉपी की हमने. ये देखो लास्ट लाइन, एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. तो मैंने यही लिखा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. चलो सॉल्व कर दें. नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ days in a year upon inventory turn over ratio, that is step number third. अब यहां पे लिखते हैं material वन. ठीक है, मटेरियल वन, नंबर ऑफ डेज 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 11 times. 365 डिवाइडेड बाय 11, 33.1818. तो ये हमारा आंसर है, इसको हम राउंड ऑफ करते. अब एक मिनट स्टूडेंट रुक जाओ, स्क्रीन पे ध्यान दो, आपके कैलसी पे आंसर आ रहा है 33.18. ठीक है, तो इसको मुझे राउंड ऑफ करके लिखना है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन पे ये देखो, ये जो है यहाँ पे मैंने जो साइन दिया है इक्वल्स टू का साइन नहीं है. किसका साइन है? अप्रोक्सीमेटली. किसका साइन है? अप्रोक्सीमेटली. एक लाइन सीधा, एक लाइन टेढ़ा. तो अप्रोक्सीमेटली मतलब राउंड ऑफ करो डेटा. अब आप मुझे बताओ 33.18 को अगर मैं राउंड ऑफ करता तो कितना होगा? मैथमेटिक्स क्या सिखाता है? 33.18 को राउंड ऑफ करो तो 33 बराबर. बट यहां पे गलती होगा, 33 नहीं, क्योंकि मटेरियल वन साल में
कितने दिन लेता है घूमने के लिए? 33 डेज पूरे लेता है और 34th डे का कुछ हिस्सा लेता है, 0.18। आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? मटेरियल ने साल में कितने दिन लिए घूमने के लिए? तो मटेरियल वन आपने खरीदा, कब खत्म हुआ? 33 दिन और 34 डे का कुछ हिस्सा। मतलब मटेरियल वन ने कितना टाइम लिया, 33 डेज कि 34 डेज? 34 डेज। 33 के बाद कुछ भी होगा तो राउंड ऑफ डेटा कितना आएगा यहाँ पे? 34। क्या सबने समझा? यहाँ पे आप मैथमेटिक्स का दिमाग नहीं चलाओगे, यहाँ पे आपको लॉजिक समझना है स्टूडेंट। मटेरियल वन ने 33 डेज पूरे लिए, बट उसके बाद वो 34 डे भी यूज कर रहा है, मतलब उसने कितना दिन लिया? 34 डेज, ऐसा सोचना है। फिर इसके बाद मटेरियल टू, थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन थ्री, 365 अपॉन थ्री। अब इसको सॉल्व करते, 365 डिवाइडेड बाय थ्री, सो आंसर इज 121.666। अब इसको राउंड ऑफ करते, अप्रोक्सीमेटली 122 डेज। समझा? तो मटेरियल वन ने कितना दिन लिया? 34 डेज, और मटेरियल वाई ने 122 डेज। तो दोनों में से कम समय किसने लिया? मटेरियल वन। तो फास्ट मूविंग कौन है? मटेरियल वन। तो हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा मटेरियल वन इज फास्ट मूविंग मटेरियल एज कंपेयर्ड टू मटेरियल टू। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, जिगर। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पे और एक स्टूडेंट को डाउट है। अजय सर, मुझे आप होस्ट बनाओ ना, एक आईडी में नहीं बनाया आपने। हाँ एक, अच्छा अभी जिगर ने हैंड रेस का ऑप्शन हटा दिया है। किसी को डाउट है क्या स्टूडेंट? आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फिर आपसे बात करूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं? सबने लिखा सॉल्यूशन? लिखा सॉल्यूशन, गुड। अच्छा अब इसके बाद मैं आपको और दो तीन सम देता हूँ जो आपको होमवर्क रहेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं सम, ये देखो ये सम है नवंबर 2018, अब ये क्वेश्चन देखो आपके पास स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो
एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर ऑफ डेज. तो टर्नओवर रेशियो भी ढूंढना है और उसको नंबर ऑफ डेज में भी सॉल्व करना है. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर 365 डेज इन ईयर. आपको बोला है एक साल में कितने दिन होते हैं 365. ये देखो नवंबर 2018 10 मार्क के लिए पूछा था. अब आपके पास तीन मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी. ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक. सिंपल है, आएगा सॉल्व करने कि नहीं आएगा? गुड. और एक सम ढूंढ रहा हूं. ये देखो, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2012-13 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन विच ऑफ द टू मटेरियल इमीडिएटली डिस्पोज्ड ऑफ. मतलब दोनों में से फास्ट मूविंग कौन सा है, कौन सा मटेरियल पहले सेल हो जाता है. आपके पास मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई. मटेरियल इन हैंड 1 अप्रैल 2012, मटेरियल इन हैंड 31 मार्च 2013. तो इन दोनों में से ओपनिंग स्टॉक कौन सा, जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में, दैट इज 1 अप्रैल 2014, ये आपका ओपनिंग स्टॉक. और एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक. फिर मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज परचेज. सिंपल है, यस ऑर नो? अच्छा, मैं चाहूंगा आप लोग अभी डिस्कनेक्ट मत करो, साइन इन रहो यहाँ पे. मैं 2 मिनट में आपको ये चीज आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ और आप चेक कर लो आपको ये चीज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही. अच्छा, तब तक आप सब लोग मुझे बताओ. सबसे पहले तो कैमरा ऑन रखो. आपको लेक्चर समझा आज का? अच्छा, तो बच्चे लोग आपके कैमरा में, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन है थंब रेज का. आपको लेक्चर समझा है ना? तो कम ऑन, गिव योर थंब रेज. गुड. किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे 2 स्टूडेंट ने हैंड रेस किए. हैंड रेस मतलब डाउट. अजय सर, हेलो अजय सर, हेलो अजय सर, मैंने उनको पीडीएफ भेज ली है, शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन रहे. मैं उनको कॉल करता हूँ तो आपको 1 सेकंड में भेजेगी वो. देन यू आर गोइंग टू चेक इट आउट. जो हमने आज की पढ़ाई की वो आपके मोबाइल पे सब.
विदाउट जूम एप्लीकेशन ऑफ किया आपका आपका व्हाट्सएप चेक कर सकते हो ना? गुड, दो स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं मुझसे, से बात करता हूं मैं। सूरज जायसवाल बोलो बेटा। सूरज जायसवाल एंड्रेस क्या बेटा, तो खुद को अनम्यूट करो और पूछो क्या डाउट है आपका। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, उसमें सेकंड वाला में कैसा, मुझे थर्ड में दिया है ना, तीन मटेरियल दिया है। हाँ, तो उसमें कैसे सॉल्व करने का, सेम सेकंड जैसा दिया है वैसे सेम करने का? जी बेटा एक सेकंड ना। हेलो अजय सर, अच्छा सुनो ना सर, आप सिर्फ मोबाइल पे मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है। हाँ तो उन बच्चों को भेजो ना, एक मिनट, उनका ग्रुप है ना आपके पास? हाँ उनके ग्रुप में भेजो, वो चेक करेंगे। अच्छा मैं होस्ट हूँ, ठीक है ठीक है, मैं कर। ओके आप इनको फिलहाल पीडीएफ भेजो। हाँ सर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, आप इसको तीन दिए हमें, तीन मटेरियल वन, मटेरियल टू, मटेरियल थ्री, तो थ्री टाइम सॉल्व होगा। जैसे हमने मटेरियल वन टू सॉल्व किया था, अभी थ्री, मटेरियल वन बी, टू बी और थ्री बी। ओके सर चले, फिर इन तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे और जो सबसे फास्ट होगा उसको हम बोलेंगे फास्ट कॉपी। गॉट इट? ओके। तो यहाँ पे मुझे और एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, एम एन शेख ने। बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सूरज आपको म्यूट कर दो खुद को अभी। हाँ बेटा एम एन शेख, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप भी खुद को अनम्यूट करो और पूछो क्या डाउट है। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। हेलो हेलो, उसने खुद को अनम्यूट तो किया है पर कुछ पूछ नहीं रहा है वो। ठीक है, धनंजय पाटिल आपने भी हैंड रेस किया बेटा, मैंने यहाँ पे। हाँ हेलो सर। जी बेटा पूछो। पहले वन टू सॉल्व करने का, फिर वन थ्री करने का ना, ऐसा करने का क्या अलग करने का? बेटा आपकी आवाज थोड़ी गुज रही है। हेलो, हमने पहले दो किया ना, अभी तीन है, तो पहला फर्स्ट और सेकंड करने का, फिर बाद में पहला और थर्ड करने का ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। Just a minute, student. Give me a second. अब ये देखो स्टूडेंट, आपके पास यहां पे ये सम है, दो मटेरियल है, मटेरियल वन मटेरियल टू। तो हमने इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया, दो कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर मटेरियल वन, फिर मटेरियल टू। तो अभी आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स, मटेरियल वन, मटेरियल टू और उसके बाजू में मटेरियल थ्री। मतलब यहाँ पे मैंने दो कॉलम ड्रॉ किए, यहाँ पे देखो ये दो कॉलम है ना, ये दो कॉलम है, तो आप कितने कॉलम ड्रॉ करोगे, तीन, समझा? तो ये साथ में तीनों सॉल्व होंगे, ए बी और सी। फिर यहाँ पे स्टेप टू में आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर मटेरियल वन, फिर मटेरियल टू, फिर इसके नीचे यहाँ पे इधर ये देखो मेरा डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे मटेरियल टू खत्म हुआ, यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे मटेरियल थ्री। फिर इसके बाद आप ये कैलकुलेशन ऑफ इन्वर्ट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखोगे, मटेरियल वन सॉल्व किया, फिर मटेरियल टू सॉल्व किया, फिर इधर इसके बाद यहाँ पे मटेरियल थ्री, समझा बेटा?
धनंजय? हाँ समझ गया सर। ओके, फिर इसके बाद ये जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, फिर मटेरियल वन, मटेरियल टू, और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल थ्री, फिर उसके बाद हम कंपेयर करके आंसर लिखेंगे। इज इट क्लियर? ओके बेटा, मैं यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ समझा सबने? किसी को कोई डाउट? ओके तो स्टूडेंट चेक करो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, देखो पीडीएफ आया है आपको, अजय सर ने पीडीएफ सेंड किया आपको ग्रुप में, चेक किया आपने, मिला सबको? तो अगर लेक्चर में मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं और उस टाइम में आपका लिख के अगर कंप्लीट नहीं होता है, डोंट वरी, जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा सेकेंड्स आई एम गोइंग टू सेंड इट टू अजय सर और आपको ग्रुप में वो फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छी तरह से लिख सकते जो भी चीज आपकी रहेगी है। यहाँ पे हम लोग तो रुकेंगे सबके लिए, बट किसी किसी का अगर स्पीड स्लो हुआ तो वो अपना जो भी लिखना बाकी था वो उसको बाद में नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, समझा सबने? ओके, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा स्टूडेंट, एग्जाम में कंफर्म आता ही है, कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो मैंने 200 होमवर्क दिया आपको, वो 200 आप सब लोग सॉल्व करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका आंसर चेक करें। इज इट क्लियर? ओके, अजय सर कुछ बोलना है आपको इनको? यहाँ पे और एक डाउट पूछा है सोनू दुबे, नहीं किया ना मैंने आपको वो बनाया ना सर। सोनू पूछो क्या डाउट है बेटा आपको।